इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में ऐसी हो सकती है भारत की सबसे मजबूत प्लेइंग 11। जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 के गयाना में खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल में भारत और डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड के बीच भिड़ंत होने जा रही है। इन नॉकआउट मुकाबले में जो टीम जीत हासिल करेगी वो फाइनल में प्रवेश करेगी और दूसरी घर वापसी लौटेगी, मतलब घर वापसी करेगी। ऐसे में दोनों टीमें अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेंगी। जानिए सेमीफाइनल मुकाबले में कैसी हो सकती है भारत की प्लेइंग 11, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों आपको बता दें कि रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम T20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, जहां उसकी भिड़ंत 27 जून को डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड के साथ होने जा रही है। 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में आयोजित T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भी भारत का सामना इंग्लैंड से हुआ था। उस मैच में भारतीय टीम को 10 विकेटों के अंतर से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था और वो फाइनल में पहुंचने से चूक चुकी थी। ऐसे में 2 साल बाद टीम इंडिया की नज़र पिछला हिसाब चुकता करने के साथ साथ फाइनल में पहुंचने की होगी। भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है और बगैर कोई मैच गवाए सेमीफाइनल में पहुंच गई है। वहीं इंग्लैंड की टीम को लीग दौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा उसने और कोई मैच नहीं गवाया। जैसे जैसे टूर्नामेंट आखिरी दौर में पहुंचता गया, इंग्लैंड की टीम और भी फॉर्म में नजर आती गई। ऐसे में गुरुवार को खेले जाने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम से उसे कड़ी टक्कर मिलेगी। आइए जानते हैं सेमीफाइनल मुकाबले में कैसी हो सकती है भारत की संभावित प्लेइंग 11। दोस्तों भारतीय टीम T20 विश्व कप के लीग दौर में अमेरिका से खेली थी। तेज गेंदबाजी के लिए मुफीद पिचों पर भारतीय टीम ने कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 से बाहर रखा था और मोहम्मद सिराज को प्लेइंग 11 में जगह दी थी। लेकिन सुपर 8 राउंड के मुकाबलों के लिए वेस्टइंडीज की धरती पर कदम रखते ही भारतीय टीम ने कुलदीप को प्लेइंग 11 में जगह दी और सिराज को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस कॉम्बिनेशन के साथ टीम इंडिया सुपर 8 राउंड में भी अजय रही। ऐसे में सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ बगैर किसी बदलाव के उतर सकती है। भारतीय गेंदबाजों में है दम। जी हाँ दोस्तों, साल 2022 के विश्व कप सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड के एक भी बल्लेबाज को आउट नहीं कर सके। भारत को बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों की कमी खली थी। ऐसे में इस बार अर्शदीप सिंह के रूप में वो तेज गेंदबाज भारतीय टीम के साथ हैं। अर्शदीप शानदार फॉर्म में भी हैं और वो शुरुआती ओवरों में विकेट भी चटका रहे हैं। टूर्नामेंट में अर्शदीप सिंह ने भारत के लिए 6 मैच में सबसे ज़्यादा 15 विकेट अपने नाम किए हैं। अर्शदीप ने ये विकेट 11.86 के औसत से लिए हैं। भारतीय टीम में बाएं हाथ के 3 स्पिनर कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा हैं। ये तीनों इंग्लैंड के दाहिने हाथ के बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए काफ़ी हैं। वहीं बुमराह की किफ़ायती गेंदबाजी भारतीय टीम के लिए त्रुप का इक्का साबित हो सकती है। और भारत की इस प्लेइंग 11 में विराट की जगह यशस्वी को नहीं मिलेगा मौका। भारतीय टीम की सबसे कमजोर कड़ी बतौर ओपनर खेल रहे हैं विराट कोहली साबित हुए हैं। विराट कोहली अब तक खेले गए 6 मैचों की 6 पारियों में 11 के औसत और 100 के स्ट्राइक रेट से केवल 66 रन बना सके हैं। टी ट्वेंटी विश्व कप इतिहास के सबसे सफल बल्लेबाज विराट कोहली का बल्ला उस रंग में नजर नहीं आया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। विराट कोहली हो सकता है इंग्लैंड के खिलाफ अपना जादू दिखा दें। ऐसे में विराट को बाहर करके यशस्वी को खिलाने का निर्णय टीम मैनेजमेंट नहीं करेगी। और आइए अब बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली जो खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे वो कौन कौन से हैं। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 आपको बताते हैं, संभावित प्लेइंग 11। तो सबसे पहले बात करेंगे भारतीय टीम की। तो भारतीय टीम में रोहित शर्मा जो कि कप्तान होने वाले हैं भारतीय टीम के, विराट कोहली दूसरे नंबर पर उतरेंगे, ऋषभ पंत विकेटकीपर, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या,
अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह। दोस्तों ये है भारतीय टीम जो कि इंग्लैंड के खिलाफ आपको 27 तारीख के मैच में खेलती हुई नजर आएगी। दोस्तों अगर आप भी क्रिकेट से जुड़ी हर एक खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।